दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th हम यहां पे सर हम यहां पे लोन की किस्त के लिए आए हैं कि हमारे को किस्तें चुकाने के लिए थोड़ी मोहलत दी जाए क्योंकि हमारे को आए दिन सर यहाँ पे घर पे आके परेशान कर रहे हैं हमारे को धमकियाँ दी जा रही है हमारे को चेक लगाने की धमकियाँ दे रहे हैं और उसके बाद में हमारे को डबल डबल ब्याज वसूलने की धमकियाँ दे रहे हैं और रोज़ फ़ोन कर रहे हैं इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। कौन सी कंपनी से लोन लिया था सर? हमारे ये माई फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, ग्राम शक्ति है, महिला शक्ति है। तो जैसे ये 20-25 हज़ार के लोन देते हैं तो उस हिसाब से हमने हमारा घर का खर्चा चलाने के लिए छोटे मोटे धंधे बिजनेस करने के लिए लोन ले रखा। कितनी महिलाएं सर हमारे इसमें? बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई है क्योंकि हमारे कॉलोनी के अंदर आर्थिक परिवार मतलब बहुत गरीबी रेखा वाले परिवार रहते हैं तो उस हिसाब से हमें लोनों की जरूरत पड़ती है। अर्जुन लाल सेठी कॉलोनी तो हम अभी तक तो सर किसी से नहीं मिले, अभी तक तो हम आए हैं यहाँ पे, हमारे को अंदर नहीं जाने दिया इन्होंने। अभी बोले कि साहब किसी मीटिंग के अंदर है तो हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए। मेरा नाम रीना। क्या है हमारी जो लोन की हम किस्तें लेते हैं फाइनेंस कंपनी से, हमने जो लोन ले रखे हैं उनकी किस्तों को बढ़ाने के लिए हम मोहलत लेने के लिए आए हैं। हमें परेशान नहीं कर रहे हैं, मतलब ये हो रहा है कि अभी जैसे लॉकडाउन खुल गया है सारी जो फाइनेंस कंपनियां हैं वो लोन की वसूली के लिए आ रही हैं किस्तों की कि भाई आप किस्तें दो वरना आपकी जो है वो ब्याज अतिरिक्त लगेगा, नहीं तो आपको वो आपकी सिविल ख़राब कर दी जाएगी। 3 महीने आपने किस्तें नहीं दी है तो आपकी सिविल ख़राब हो जाएगी। तो लॉकडाउन तो खुल गया लेकिन अभी हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है। जी वैसे तो बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं जैसे कि उज्जीवन है, माई फाइनेंस है, जैसे बहुत सी। हम किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम लेके उन्हें नहीं वो करना चाहते, बाकी हम बस यही अपील करना चाहते हैं कि हमें कम से कम 6 महीने का टाइम दिया जाए ताकि हम धीरे धीरे करके किस्तें चुका देंगे। आज तक भी हमारी कोई किस्त बाउंस नहीं हुई है, हम आगे भी यही आशा करते हैं कि हम लोग हमारी किस्तें टाइम पर चुका देंगे। बस हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए और अतिरिक्त ब्याज लेना या हमारी सिविल खराब कर दें ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये अपील करना चाहते हैं। दबाव तो बना रहे हो, यही कह रहे हैं भाई आपकी सिविल खराब हो जाएगी आगे, आपको आगे लोन नहीं मिलेगा कभी भी, आप लोभी किस्तें नहीं दोगे तो आपको या तो अतिरिक्त ब्याज लगा दिया जाएगा। धमकियाँ तो बस यही दी जाती है भाई, अब आगे लोन नहीं मिला क्या पता आगे किसने वक्त देखा हमें जरूरत पड़ जाए लोन की। नहीं हम ऐसे किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लेना चाहते। नाम बताओ। शबनम।